हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये साइंस का प्री बोर्ड का पेपर है आप लोग यहाँ ऑलरेडी देख पा रहे होंगे क्लास टेंथ डेट भी लिखी हुई है और एग्जाम टाइम भी है और मार्क्स भी हैं और पूरे ये रहे आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो मैं आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व कराने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये रहा सेक्शन ए सेक्शन ए में हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि होते हैं ट्वेंटी मार्क्स के मतलब एम सी क्यू क्वेश्चन तो क्वेश्चन वन है हमारा एक्शन ऑफ स्टेम ऑन अ मेटल इज शोन इन द फिगर तो देखिए यहाँ पे बर्नर या कैंडल लगी हुई है ये एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे ग्लास बूल सोक्ड इन वाटर मेटल सैंपल है और यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब है जिसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इमिट हुई है और क्वेश्चन ये पूछा है द मेटल सैंपल इन द अव एक्सपेरिमेंट जो हमारा अवव एक्सपेरिमेंट में हमने मेटल यूज की है वो तो मेटल किस चीज का है ये हमारा क्वेश्चन है तो ऑप्शन इसके लिए है जिंक कॉपर एल्यूमिनियम प्लेटिनम तो करेक्ट आंसर होगा जिंक आप लोग ये रिएक्शन देख लो क्योंकि जब भी हम जिंक प्लस डायल्यूट एच का रिएक्शन uh, कराएंगे तो जेड एन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती दिख रही है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इसलिए हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा तो चलिए अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन एडिंग फिनोक्न इंडिकेटर टू अ कलरलेस सल्यूशन हमने फिनॉक्थिलीन इंडिकेटर ऐड किया है कलरलेस लेस सल्यूशन में नो चेंज इज कोई भी चेंज नहीं आया है द नेचर ऑफ द सल्यूशन मे बी अब नेचर पूछा है कि जो सल्यूशन है उसका नेचर क्या होगा तो इसका आंसर है एसिडिक और न्यूट्रल क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं तो मैं थोड़ा फास्ट रहूँगी अगर आपको तब भी कुछ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए मैं अच्छे से समझा दूंगी वरना सबका रीज़न मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो और सुनिए जब भी आप फिनॉपथिलीन ऐड करेंगे तो पिंक कलर मिलेगा हमें अगर हम बेसिक सल्यूशन में ऐड कर रहे हैं और जब भी कलरलेस होगा तो हमें एसिडिक और न्यूट्रल में हमें कलरलेस मिलेगा सो so, सॉरी जब भी आप फिनॉपथिलीन इंडिकेटर एसिडिक और न्यूट्रल में डालेंगे तो हमें कलरलेस मिलने वाला है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू केमिकल इक्वेजन्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया हमें रिएक्शन दिखानी है जिसमें हाइड्रोजन कंबाइन करेगी नाइट्रोजन के साथ और फॉर्म करेगी अमोनिया ये रही उसकी रिएक्शन थ्री एच टू प्लस एन टू जब भी रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म टू एन एच थ्री और यही फॉर्मूला होता है अमोनिया का ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल चेंज इज फिजिकल चेंज को हम लोग क्या कहते हैं मतलब सो सॉरी फिजिकल चेंज इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है फिजिकल चेंज वो होता है जो कि रिवर्सिबल होता है मतलब एक चीज़ दूसरी चेंज में बन गई है वो वापस फिर से फर्स्ट चीज में आ सक आ सकती है लाइक मेल्टिंग ऑफ बटर बटर मेल्ट होगा तो हम उसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं लेकिन बर्निंग ऑफ पेपर एक बार पेपर आपने जला दिया तो वो पेपर फिर से कभी नहीं बनेगा फूड अगर एक बार डाइजेस्ट हो गया तो कभी नहीं बनेगा क्रैकर एक बार बर्न हो गया तो दोबारा आप कभी भी नहीं बना पाओगे चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट एच सी एल इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला एच सी एल होता है तो क्या हो जाएगा जब आप एच सी एल को ऐड कर दोगे आयरन फिलिंग्स में तो हमने एफ ई एड किया है टू एच सी एल में तो हमारा फॉर्म होगा एफ ई सी एल टू जिसको हम लोग कहते हैं आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर वन में लिखा है हाइड्रोजन गैस प्लस आयरन क्लोराइड तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सिक्स क्वेश्चन में आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपको थ्री टेस्ट ट्यूब दिए रखे हैं और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जिंक सल्फेट है ये लिखा हुआ है सेकेंड टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट है और थर्ड थर्ड टेस्ट ट्यूब में आयरन सल्फेट है अब तीनों टेस्ट ट्यूब में आप धीरे धीरे करके कॉमन सॉरी कॉपर पीसेस ऐड कर रहे हो तो किस में ब्लू कलर अपीयर होगा जैसे कि आप जानते ही हो कॉपर ब्लू कलर का होता है तो किस में ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा ये क्वेश्चन uh, है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्टिव जो वो एक रिएक्टिव uh, uh, से रिलेटेड एक आपकी बुक में टेबल दी हुई है तो जो लेस रिएक्टिव सोल्यूशन होंगे वही डिस्प्लेस कर पाएंगे कॉपर को समझ लो कॉपर किसको डिस्प्लेस कर लेगा जो लेस रिएक्टिव सोल्यूशंस होंगे जो कि नीचे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में वो डिस्प्लेस कर लेते हैं ना तो वही वाला है ये एग्जाम्पल और आंसर है बी टेस्ट ट्यूब बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो वाटर मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर होता है मैं यहां पे ड्रॉ कर देती हूँ आप लोग देख लीजिएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो हम इसे करेक्ट टिक कर देंगे इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। और फर्स्ट ऑप्शन है होमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर सीओ टू देन ऑक्सीजन द गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोली जो कि करेक्ट ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है ड्यूरिंग इन्हीशन रिव मूव इनवर्ड इनवर्ड मूव नहीं करती इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया होमोग्लोबिन ये दो ऑप्शन सेम हो गए इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत था क्योंकि दो क्वेश्चन दो ऑप्शन सेम हो गए थे तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है लेकिन ए और डी और सी ये करेक्ट नहीं है ठीक है इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी एंड डी दे आर सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ एटमोस्फ्रिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू ऑर्गेनिक मैटर बाय विच बाई विच प्लांट विदेल्प ऑफ तो ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है एटमोस्फरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में अब आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सा बैक्टीरिया मतलब विच बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमोस्फ्रिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स ये आपका क्वेश्चन है आपको होमवर्क में या कॉमेंट्स में मुझे बताना है इसका आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंगेटेड हाइड्रोकार्बन तो अनसे वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ये रहे सारे ऑप्शन यहाँ थोड़ा लाइट लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा लिख दिया है यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी और डी तो आपको ढूंढना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस किस में दिख रहे हैं आपको तो सेकंड ऑप्शन में हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और फोर्थ ऑप्शन में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए हम लोग आंसर सी सॉरी ऑप्शन सी को टिक कर देंगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन ट्वेल्व भी अच्छा क्वेश्चन है तो चलिए पढ़ लेते हैं उसको भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें थ्री आपने है, बल्ब आपने एड किए हुए हैं बल्ब ए आपका फोर्टी वॉट का है बल्ब बी आपका सिक्सटी वॉट का है बल्ब सी आपका हंड्रेड वोट का है तीनों हमने एड किए हैं पैरल ये चीज ध्यान से देखिएगा फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स न क्वेश्चन है कि ये जो ऑप्शन है वो किस में फिट बैठेंगे तो आपको पता होना चाहिए जिस बल्ब की पावर ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा ब्राइटनेस देगा जैसे कि हम लोग अपने घर में हंड्रेड वोट का बल्ब यूज करते हैं हंड्रेड वोट का तो आपका वो आता है जो सूर्य बल्ब वाला होता है ना येलो कलर की लाइट देता है लेकिन अब सब लोग येलो मतलब एलईडी वाले यूज करते हैं टेन फिफ्टीन ट्वेंटी वोट वाले तो आप समझ सकते हो जिसकी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी वो ज़्यादा पार लेगा ठीक है ये दोनों किस्में रिलेशन में लेकिन एल वाले आपकी ब्राइटनेस काफ़ी दे देते हैं तो चलिए बात करते हैं हम लोग ऑप्शन ए फोर्टी वाट सिक्सटी वॉट हंड्रेड वाट मतलब सबसे ज़्यादा हमें लाइट आ, ब्राइटनेस कौन देगा सी फिर बी देगा फिर ए देगा तो सारे ऑप्शंस बढ़ेंगे तब आपको ऑप्शन सी काफ़ी सही लगेगा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी मोर देन ए तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसलिए हम लोग इसी को टिक कर देंगे अब क्वेश्चन है नेक्स्ट जो कि अच्छा क्वेश्चन है आपको पता भी होना चाहिए क्वेश्चन है ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है तो वो होता है कॉन्वेक्स और आप जानते ही होंगे कि रियर व्यू मिरर में हमें सब चीजें छोटी दिखाई देती हैं तो उसका मैग्निफिकेशन लेस देन वन होगा चलिए बढ़ते हैं आगे क्योंकि आ, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा अगर मैं आपको एक एक चीज समझाती जाऊंगी बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द बॉक्स तो आपको इस क्वेश्चन को बताना है तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर मैंने किसी से मांगा था तो फिर मुझे वहीं से मिला है तो उसमें कुछ सॉल्विंग वगैरह है तो आप उसको ध्यान ना दीजिएगा क्वेश्चन को ही ध्यान दीजिएगा आई स्टूडेंट स्टडीज दैट अ अकोनविक्स मिरर यहां लेंस था जो कि रॉन्ग था तो यहाँ एक करेक्शन थी मिरर लिखना था यहाँ पे र्चुअल इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है इज रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन वॉन्वेक्स मिररर टू फॉर्म वर्चुअल इमेज इसमें यह लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स मिररर हमेशा वर्चुअल बनाता है तो क्या रीजन है जिससे वर्चुअल इमेज बन जाती है Because reflected rays are never intersect. जो reflected rays होती है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है इसीलिए वर्चुअल इमेज बनती है अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी बताती जाती हूँ आप लोग सुनते जाइएगा इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई लेंस हैजेटिव वैल्यू द इमेज विल बी अगर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस है जो कि वो नेगेटिव वैल्यू आई है तो इमेज कैसी होगी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस इन सोलबल बिल्कुल सही लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये एसर्शन है क्या जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो इन सल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है हाँ बिल्कुल सही है तो क्या इसका ये जो ये जो पहला रीजन मतलब सॉरी जो पहला एसर्शन है क्या उसके लिए ये रीजन बिल्कुल फिट बैठता है तो हाँ ये बिल्कुल फिट बैठता है इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉगर एट अ पॉइंट विच इज नियर टू द कंडक्टर एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर रीजन भी आपको गिवन है एक काम करती हूँ मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ एक एक करके इसमें आंसर्स मार्क है आप लोग देखते जाइए और रीड करते जाइए मैं थोड़ा अच्छे से दिखाती हूँ एटीन क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए स्क्रीन लेके पढ़ के आप लोग आराम से देख लो क्योंकि मैं नहीं चाहती ये वीडियो ज्यादा लेंदी हो अगर आपको इससे कुछ हेल्पफुल मिलता है तो ठीक है अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइनटीन अब सेक्शन बी के पास चलते हैं हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है वाई हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्वोरस ये रहा आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ये रहा एक बार देख लीजिएगा अगर इसके आंसर्स नहीं आते हैं तो आप मुझे बता देना तो फिर मैं इसका सल्यूशन भी अपलोड कर दूंगी आप लोग जल्दी से यहाँ स्क्रीन लेते जाइए और देखते जाइएगा मेरी तरफ से काफ़ी अच्छी वीडियो आ रही है अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो थोड़ा क्वालिटी अच्छी चला लीजिएगा क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाती काफ़ी अच्छे से वैसे वीडियो आया हुआ है मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर देती हूँ सेक्शन डी और सेक्शन ई e बस यही बचा हुआ है थोड़ा क्लियर नहीं है मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको सी टू एच फाइव ओ एच प्लस सी एच थ्री सी डबल ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर टू ओ और आपको बताना है एक चीज और क्या आएगी CH4 plus Cl2 in the presence of sunlight will give dash plus HCl. विल गिव डैश प्लस एच सी एल सी एच बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छे से वीडियो में दिख रहा है मैं चेक कर रही हूँ ना वीडियो बिल्कुल क्लीन लग रही है मुझको ये देखिए ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है थोड़ा मिसप्रिंट है ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे एक लाइन ही है चलिए लास्ट सेक्शन और सिर्फ लास्ट पेज और बचा हुआ है उसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट टोटल थर्टी नाइन क्वेश्चन है मैं सोच रही थी एक बार में ये पूरा क्वेश्चन आ जाए लेकिन वो नहीं आ रहा है तो डाइग्राम आप देख लो ये रहा डाइग्राम इसके बारे में ये लिखा हुआ है अब मैं इसके थ्री फोर क्वेश्चन है वो और दिखा देती हूँ ये रहे क्वेश्चन और लास्ट थर्टी नाइन क्वेश्चन ये रहा देख लीजिएगा इसको भी और ये रहा पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सारा दिखा दिया है अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा तो फिर मैं पूरा कॉपी में लिख कर उसका आंसर आपको पोस्ट का सॉरी uh, वीडियो डाल दूंगी उसका अपलोड कर दूंगी अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्री बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है आप लोग देख लो ओके बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग